Welcome to our new video, and we are going to Kodaikanal. We have almost reached. We have like almost reached. It's like kuch 40 kilometer bache, and as you can see that mountains start ho chuke hain yahan pe, and like slowly we are climbing these mountains. Roads bahut hi achhi hain, like they are very smooth. एंड अभी ट्रैफिक इतना नहीं है क्योंकि आई थिंक सुबह सुबह का टाइम है. लाइक वी लेफ्ट बैंगलोर लाइक अराउंड 2 AM एंड जल्दी पहुंच, मतलब आइडिया यही था कि हम जल्दी पहुंच जाएं कोडाइकनाल, बिकॉज कोडाइकनाल इज लाइक अराउंड मोर देन 450 किलोमीटर. सो बस पहुंचने वाले हैं, बट स्टिल लाइक 1 घंटा तो लगेगा ही, बिकॉज पहाड़ों में गाड़ी बहुत धीरे चलनी चाहिए. फाइनली हम पहुंच गए कोडाई लाइक अराउंड 10:30 ना, एंड उसके बाद जल्दी हमने चेक इन किया और उसके बाद लंच किया. एंड सो नाउ वी आर हियर एट कोकर्स वॉक. कोकर्स वॉक बेसिकली हमने गूगल किया था, हमें ऐसा कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था कि कौन कौन सी जगह है यहाँ पे विजिट करने के लिए. सो वी जस्ट गूगल्ड और इसमें सबसे नियरेस्ट प्लेस था हमारे रिजॉर्ट के, वो था क्विकर्स वॉक, सॉरी क्विकर्स वॉक. सो हम यहाँ पे देखते हैं जाके कि कैसा है, और हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर कैसा होगा. सो लेट्स सी. ये है क्वेकर्स वॉक. एक्चुअली दिस इज़ बेसिकली अ व्यू पॉइंट, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि धूप बहुत ज़्यादा है, ठंड हो रही है काफ़ी, लेकिन धूप ने ना सारा मज़ा ख़राब कर दिया थोड़ा. लेकिन वैसे व्यू बहुत अच्छा है और क्लाउड है, अच्छा देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा मौसम. हम इसको लिरिल फॉल्स, बहुत छोटा सा फॉल्स है ये, एंड अब देखो लोग भी ऊपर चढ़े हुए हैं काफ़ी. तो आई थिंक ये लिरिल जो सोप है उसका एड यहीं पे शूट हुआ है, सो दैट्स वाई, बट आई एम नॉट श्योर ये सच है कि नहीं है, बट भाई अच्छा फॉल है, थोड़ा सा मेंटेन अच्छा नहीं किया हुआ ऑलमोस्ट, लेकिन अगर मेंटेन अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा. ऊपर भी आप देखेंगे तो पूरा काफ़ी अच्छा है. तो यहाँ हम आए और इसके बाद हम जाएंगे इसका बड़ा वर्जन. ओके लगी कि पहला वाटरफॉल होगा जिसपे आने के लिए इतना ट्रैक नहीं करना पड़ा,
ना ही इतना चढ़ना पड़ा, वरना तो वाट लग जाती है। हम पहुंच गए हैं फाइनली एंड ये वाटरफॉल सही में बहुत अच्छा है, लाइक उस वाले वाटरफॉल से तो कई गुना ज़्यादा एंड लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना। बट स्टिल मतलब जगह का नो डाउट बहुत ही अच्छी जगह है, तो भीड़ भी इतना चलेगा और वैसे यूजुअली इतनी भीड़ होती है ऐसी जगह पर, है ना। यार वाटरफॉल्स बस उसी से हमें नीचे जाना है ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर और रास्ता इतना मस्त है गाइस। सही में रास्ता थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़, थोड़ा नहीं सॉरी बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। जंपिंग राइड हो रही है हमारी। हाँ, ओह माय गॉड, एक और गाड़ी आ गई। अच्छा पहले से जाने दो। ये बीच में ऐसा ऐसा रास्ता भी था कि जहाँ मुझे लगा कि शायद अगर दूसरी साइड से गाड़ी आएगी तो क्या होगा। बट आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे काफ़ी लोग पैदल भी जा रहे हैं ना, बट आई डोंट नो इतनी दूर तक पैदल कैसे चलते। फॉरेनर्स है ना, उनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, स्टेमिना होता है, गाड़ी से आना ज़्यादा सही है, एडवेंचरस है गाड़ी से आना। बताओ भाई पंखू कहाँ जा रहे हैं हम? डॉल्फिन स्नोज। ओके आराम से वीडियो में कैप्चर हो गया ये चीज। ओके सो हम डॉल्फिन नोज जो है ये इसमें अभी तक तो हमें नहीं हो रही थकान, लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि वापस आते टाइम बैंड बच जाएगी हमारी, क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा स्टीप है। ऑल दो हम उतर रहे हैं तो इसलिए हमें तो यहाँ के जो अच्छे खासे देखने में लग रहे हैं जो पतले पतले लोग भी हाँफ रहे हैं, तो मुझे पहले से ही डाउट हो रहा है कि हम लोग कैसे ऊपर चढ़ेंगे। बट स्टिल इतनी दूर आए हैं तो देखेंगे ही, एक बार तो जाना बनता है। सो अभी अभी हमें खबर मिली है कि ये ट्रैक आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, और अभी भी हम कितना आ गए होंगे, एक किलोमीटर तो आ गए होंगे और अभी भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर आ गए हैं। बट हमें सब ने बोला कि लाइक यू शुड गो बिकॉज इट्स वर्थ। नीचे कुछ दिख नहीं रहा लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ एक और चीज अच्छी है कि आपको जगह जगह पानी मैगी और हाँ ये सब है, क्योंकि इनको पता है कि लोग हर 10 मीटर बाद बैठ जाएंगे कुछ खाने के लिए। मुझे लगता है आते टाइम में हमें अपना स्वेटशर्ट उतारना पड़ेंगे, हमें टी-शर्ट में ही आना पड़ेगा।
और सब जो भी लोग ऊपर जा रहे हैं उन सब के एक्सप्रेशन देख के यही लग रहा है कि वो हमें देख के यही सोचने वाले हैं कि अरे यार ये लोग अब ऊपर कैसे जाएंगे, कैसे जा रहे। स्पेशली मैं, एक ने तो बोल भी दिया कार्तिक को यू शुड कैरी वन टॉनिक। मैं खुद ऊपर नहीं जा पाऊंगा, आई शुड कैरी। काश कि वो जैसे वो होता है काफी सारे नॉर्थ में जो घोड़ा घाटी है ना यार, घोड़ा होना वो सब होना चाहिए यहाँ पे सीरियसली। वैसे वो सब होता तो ये रास्ता बहुत ही कचरा हो जाता। कचरा, मैं तो उसी से जाती यार। चलो एक सेकंड पहुंच जाते हैं उसके बाद। पाप धुल गए मेरे, मैं भी आता भी नहीं। बस सो हम वापस आ गए हैं, बहुत बहुत ज्यादा थक गए हैं और अच्छी बात है कि हम वापस आ गए। और सच में बहुत ही ज़्यादा थकान वाला ट्रैक था वो, बट होपफुली हमने वो पूरा कर लिया। इम्पॉसिबल नहीं था, पॉसिबल। अभी हम हैं कोडाइकनाल लेक के पास जो मार्केट एरिया है, और यहाँ पे अगर शायद पीछे आप देख लें तो पीछे घोड़े भी हैं, पीछे सारी जो मार्केट्स हैं वो तिब्बतियन मार्केट है, जस्ट लाइक दिल्ली में भी है, जैसे काइंड ऑफ मॉल रोड होता है ना हर सारे स्टेशन पे। हाँ, यहाँ पे वही है, सारे शॉपिंग वगैरह जो भी करना है। हाँ, ये हमारे होटल के पास है और बस फिर आज के लिए बस इतना ही, और आज के लिए बस इतना ही, बस बैटरी खत्म हो चुकी है हमारी भी। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं जो हम कल बनाएंगे। Okay. और ठंड भी बहुत हो रही है। या सो अंटिल देन बाय, वेट फॉर व्हाट नेक्स्ट।